हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। और आज अपन बात करने वाले हैं एनसीबीटी एग्जाम के संबंध में, क्योंकि यहाँ पर सभी का एग्जाम 2023 में यहाँ पर जून जुलाई में कराया गया था, ठीक है। उनमें से कुछ आवेदकों को सप्लीमेंट्री आई थी, तो उन जो सप्लीमेंट्री है, जिन लोगों का बैक लगा, उनका एग्ज़ाम अब यहाँ पर होने वाला है। अब आप लोगों का एग्ज़ाम में वो होने वाला, कौन कौन से जो स्टूडेंट रहेंगे वो इसमें बैठ पाएंगे एग्ज़ाम में, वो यहाँ पर देख लो, वो वीडियो बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एनसीबीटी जिन आवेदकों को सप्ली आई थी, या जो लैपटॉप अटर्नीस हैं, यानी जो जिन जिन आवेदकों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, ऐसे आवेदकों के लिए मौका यहाँ पर मिलने वाला है एग्ज़ाम देने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से आवेदक वो बैठ पाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो लैपटॉप अटर्नी रहेंगे, जिन जिन जो जिन आवेदकों ने परीक्षा नहीं दी है या सप्ली वाले। तो देखिए 2 दिसंबर 23 में आज की जा रही है आपकी जो परीक्षा होने वाली, दिसंबर में होने वाली है। यहाँ पर जो कौन से बच्चे बैठ पाएंगे, देखिए 7/2018 जिनका प्रवेश हुआ था, 2 वर्षीय वाले वे बैठ पाएंगे, या 2019 से 2021 तक के प्रवेश वाले रहे, समस्त व्यवसाय वाले वो बैठ पाएंगे, और 2022 में जिनका प्रवेश हुआ था वो प्रथम वर्ष वाले प्रशिक्षणार्थी वो इसमें सम्मिलित हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, दूसरा यहाँ पर इस परीक्षा में 2018 में प्रवेशित वर्ष 1 वर्षीय व्यवसाय गए जो प्रशिक्षणार्थी वो यहाँ पर प्रवेश सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए मतलब जिनका, देखिए जो 2022 में प्रवेश हुआ था और उनका था फर्स्ट ईयर, उनका मान लो 1 साल का ट्रेड था, उनकी सप्लीमेंट यही वो बैठ पाएंगे, और जो 2 साल वाले थे उनकी फर्स्ट ईयर में सप्ली आई है वो यहाँ पर बैठ पाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए बड़ा मौका मिलने वाला। अब देखिए यहाँ पर एक है लैपटॉप वाला, मतलब जिन जो आवेदक ने एग्जाम नहीं दिया, मान लो 2022 में उन्होंने एग्जाम नहीं दिया किसी कारण से, भाई उनको नहीं टाइम नहीं मिल पाया या किसी कारण हो गया, तो उनका यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से हैं, तो ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो पोर्टल पर विलंब के कारण प्रवेश हुए थे, उनका वेरिफिकेशन अप्रूवल था वो बैठ पाएंगे, जिनकी 80% से कम हाजिरी थी वो यहाँ पर बैठ पाएंगे। दूसरा ऐसे प्रश्न जिनकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो यहाँ पर क्रिएटर जो लॉगिन आईडी होती है संस्था प्रमुख की, उनके अप्रूवल यहाँ पर नहीं किया गया वो बैठ पाएंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सीबीटी यानी जो आपके पेमेंट हुआ था वो भुगतान नहीं हुआ वो यहाँ पर बैठ पाएंगे, ठीक है, ये रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का यहाँ पर होने वाला क्या है, तो अब आप लोगों का यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, और आप लोगों को जो एग्ज़ाम कब तक हो जाना वो बताऊंगा, और आपको जो पेमेंट है वो देखिए कहाँ तक कितनी। अब देखिए यहाँ पर जो फीस पेमेंट होनी है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रायोगिक परीक्षा के लिए जो एलिजिबिलिटी प्रूव करने के पश्चात, ठीक है ना, उपरांत प्रायोगिक परीक्षा की शुल्क लगने वाली 100 रुपये आपकी लगने वाली प्रायोगिक परीक्षा, ठीक है, प्रैक्टिकल की यहाँ पर, और 500 रुपये लगने वाली आपकी समस्त व्यवसाय की, ठीक है, वो यहाँ पर देख लो। अब हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री वालों, ये रहेगा सप्लीमेंट्री वालों के लिए, इनकी लगने वाली 200 रुपये, ठीक है, प्रैक्टिकल की लगने वाली 200 रुपये और यहाँ पर लगेगी 500 रुपये, ठीक है, व्यवसाय के हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख लें, ठीक है। तो आप लोग और यहाँ पर देख लो, अब देखिए यहाँ पर जो प्रशिक्षणार्थियों का जो हॉल टिकट डाउनलोड, यानी आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, तो 4 दिसंबर को डाउनलोड होगा, और यहाँ पर 10 दिसंबर से आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो जाएगा, और 26 दिसंबर को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रहने वाली है जिन आवेदकों को यहाँ पर सप्ली आई टी है, जो किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो वो यहाँ पर आई टी में जाएँ और इन्फॉर्मेशन लें, और वहाँ पर अपना फीस सबमिट करके आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक्स।